यूसुफ जी, ये महानगर पालिका देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसपे शासन का कोई दबाव ही नहीं है, शासन का कोई नियंत्रण ही नहीं है। यहाँ पे जिसके मन में जो आए, जिस अधिकारी के मन में जो आए वो करता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महानगर पालिका में हम रह रहे हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ शिवसेना उद्धव बालासाहेब गुट के अनिल चौहान जी है। इन्होंने कुछ ऐसा सब्जेक्ट इस समय निकाला है कि उस सब्जेक्ट से कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। इनका सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, वसई विरार महानगर पालिका में भ्रष्टाचार किस कदर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस तरह का भ्रष्टाचार है हम ये बताने आए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। एक भ्रष्टाचार सीधा कि किसी से पैसे मांग की, वो भ्रष्टाचार, लेकिन एक भ्रष्टाचार ऐसा जो देखने में कहीं दिखाई नहीं दे, मालूम ही नहीं पड़े, लेकिन भ्रष्टाचार कब हो जाए, कब करप्शन हो जाए और कब उसके बिना पे क्या क्या होता है। तो मैं अनिल जी से आपकी मुलाकात कराऊँ उसके पहले थोड़े शब्दों में बता देता हूँ कि वसई विरार में पिछले साल एक बोगस डॉक्टर पकड़ा गया था, डॉक्टर अजीत वाडकर। वो मामला काफ़ी गूंजा था और उस अजीत वाडकर जो कि बोगस डॉक्टर था ही, प्रैक्टिस बोगस डॉक्टर के तरीके पे कर ही रहा था और बाद में CMO तक पहुंच गया था, चीफ मेडिकल ऑफिसर तक पहुंच चुका था। उसके समय में हुई एक डॉक्टर की नियुक्ति पर आज सवाल उठा रहे अनिल चौहान, और इत्तेफाक से वो डॉक्टर आज की CMO है, डॉक्टर भक्ति चौधरी। तो क्या कुछ विषय है अनिल जी से जानते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, पहला सवाल, आपने वसई विरार महानगर पालिका की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भक्ति चौधरी की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं, क्या ऐसा आपको लगा और किस आधार पर आपने ये सवाल उठाया? देखिए, मेरे को जो दस्तावेज मिले हैं उस आधार पर और जो मैंने छानबीन की है उस आधार पर डॉक्टर भक्ति चौधरी पर ये आरोप लगते हैं कि जब 5 जून 2013 को महानगर पालिका में वैद्यकीय अधिकारी की पोस्ट के लिए मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में डॉक्टर भक्ति चौधरी ने भी मुलाकात दी थी और वो सिलेक्ट हुए थे, और उस टाइम पे उन्होंने महानगर पालिका को कहा था कि मेरे पास सारे दस्तावेज है जिससे मैं प्रूव होता है कि मैं इस नौकरी के काबिल हूँ। हम उनके डॉक्टरी पे सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल उठा रहे उनके नियुक्ति के ऊपर। जिस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया था 5 जून 2013 को, उस वक्त उनके पास ना इंडियन मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट था ना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट था। डॉक्टर भक्ति चौधरी जो है वो रशिया से पढ़ के आई हुई है, और जब वो रशिया से पढ़ के आई है तो उन्हें इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, उन्होंने किया होगा उसका जब, लेकिन जिस दिन उनकी मुलाकात हुई थी उस दिन उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था। और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का ये है कि आपको अगर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करना है, जॉब करना है या कोई तरह की सेवा करनी है तो आपको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको कोई प्रैक्टिस करने का, जॉब करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरह नहीं अगर करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। डॉक्टर भक्ति चौधरी 2013 से महानगर पालिका सेवा में है, आज वो यहाँ के MO है, मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, मगर 2013 से 2016 तक उनके पास, आप चेक कर सकते हो, उनके महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में चेक कर सकते हो कि किस साल डॉक्टर भक्ति चौधरी ने उनको कहा, किस साल उनको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट मिला। तो ये सर्टिफिकेट 2016 में मिला और उनको जॉब महानगर पालिका में 2013 में मिला। तो हमारा सवाल यही है कि किस आधार पर डॉक्टर भक्ति चौधरी को महानगर पालिका में नौकरी मिली, उनको सेवा करने का मौका मिला। आपको पता है आज हमारी लोकसंख्या 25 लाख हो चुकी है और हमारे आरोग्य की ऐसी की तैसी हो चुकी है, और उसमें आरोग्य विभाग पे ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप है। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने हॉस्पिटल के ऊपर ऑडिट किया गया, करोड़ों रुपया निकाला गया बिल के, आज भी 1.25 करोड़ के आसपास हॉस्पिटलों ने लोगों के पैसे रिफंड नहीं किए। कई सारे हॉस्पिटल जो इलीगल चल रहे हैं, कई सारे गर्भपात सेंटर है जो इलीगल चल रहे हैं, कई किसी की मौत हो रही है, कई अनाप शनाप बिल लिए जा रहे हैं। इसका वजह यही है कि अगर
इसकी न्यू भ्रष्टाचार है। अगर डॉक्टर भक्ति चौधरी को जिस तरह से महानगर पालिका में नियुक्त किया गया, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ना होते हुए भी उनको नियुक्त किया गया, वैसे ही कई सारे हॉस्पिटल होंगे जिनका आपको कुछ रजिस्ट्रेशन ऐसे ही बिना पेपर के किए होंगे, इसकी भी जांच करनी चाहिए। आपने एक सांस में इतना लंबा चौड़ा आरोप लगाया, लेकिन इसका नींव क्या है? आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं? क्या आपने जो भी आरोप लगाए कि इनके पास दस्तावेज नहीं है, तो जब इनका इंटरव्यू हुआ, मुलाकात हुई, तब उन अधिकारियों ने उनकी सत्यता, उनकी जांच नहीं की? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं बिना दस्तावेजों के और बिना प्रूफ के बात नहीं करता। मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने आयुक्त को भी भेजे है, मैंने एडिशनल कमिश्नर को भेजे है, मैंने CM को भेजे है, मैंने अवर सचिव को भेजे है, मैंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल को भी भेजा है, सार्वजनिक दस्तावेज है, मैंने उन्हीं महानगर पालिका से ही उन्हें मैंने लिया है, RTI में लिया है। उधर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें मेडिकल महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट हो उस टाइम का, या उस टाइम का इंडियन मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट उस 5/6/2013 का हो। उन्होंने जो एक फॉर्म भरा है, मैं एक आश्चर्य की बात तो ये है, उन्होंने एक फॉर्म भरा है जब इंटरव्यू के टाइम एक फॉर्म दिया है महानगर पालिका ने कि आप, और उसमें महानगर पालिका ने मांगा है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें एक कॉलम है आप अपने जवळ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल चे प्रमाणपत्र आहे किंवा नाही, वो कॉलम में उन्होंने होय लिखा है। अगर आपके पास नहीं था तो आप ना लिखो, आपके पास 2013 में नहीं था, आपने 2013 में हाँ लिखा और 2016 में सर्टिफिकेट ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और मैंने सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स महानगर पालिका को दिया है, जिन जिन अथॉरिटी को देना चाहिए दिया है, और मैं आगे हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल कर रहा हूँ, मैं हाईकोर्ट को भी सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर भक्ति चौधरी का विषय नहीं है। इस तरह से कई अनेक कर्मचारी महानगर पालिका में भर्ती होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक होंगे। ये जो महानगर पालिका है, ये सिर्फ ठेका, आपने देखा होगा कि ठेका में भ्रष्टाचार करती है, पूरे जो हमारा निधि है उसमें भ्रष्टाचार करती है, पानी में भ्रष्टाचार करती है, हर जगह कचरे में भ्रष्टाचार करती है। यहाँ पे तो आप डॉक्टर के नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार कर रहे हो। उस समय जब डॉक्टर भक्ति चौधरी को नियुक्ति की गई थी, मैंने कहीं देखा है डॉक्यूमेंट्स में वाडकर का वहाँ पे साइन है, उपायुक्त का साइन है, कमिश्नर का साइन है और दो जन का साइन है, तो किस आधार पे आपने साइन किया? आपने डॉक्यूमेंट्स मतलब चेक ही नहीं किए। तो सिर्फ डॉक्टर भक्ति चौधरी दोषी नहीं है इसमें उनकी नियुक्ति करने वाले हर अधिकारी दोषी है, स्थापना का वो विभाग भी दोषी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट का परीक्षण नहीं किया और ना परीक्षण करते हुए उनको सेवा में लिया। आपने अजीत वाडकर का नाम लिया, अजीत वाडकर की खुद की नियुक्ति ये साबित हो चुका है कि वो फेक थी, उनके पास डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं थी, और उनकी वाइफ जो कि डेंटिस्ट थी, उनकी एजेंसी के मार्फत अजीत वाडकर पहले महानगर पालिका में आया और बाद में महानगर पालिका नहीं थी तब नगर परिषद में आए, नगर परिषद से महानगर पालिका में फिर कंटिन्यू हुए और महानगर पालिका में CMO तक पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान खुद भ्रष्टाचार करके और बिना डिग्री के उस जगह पे पहुंचा जहां का वो हकदार नहीं था, तो क्या सीधे सीधे उसने पैसा लेके बिना वेरिफिकेशन किए सिर्फ भक्ति चौधरी नहीं बाकी लोगों को भी महानगर पालिका में नियुक्ति दी, ऐसा पॉसिबल है? ये जांच का विषय है और ये हम जांच की मांग कर रहे हैं, हम हाईकोर्ट में भी इसका पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कि वाडकर के टाइम पे जिन जिन की नियुक्ति की गई थी उन सारों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब वो खुद ही डॉक्टर नहीं थे तो उन्होंने जो नियुक्ति की गई की उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। डॉक्टर वाडकर का तो FIR हो चुका है, वो विषय चल रहा है, कोर्ट में है, न्याय प्रविष्ट है, वो अलग विषय है। मेरा विषय यही है कि हमारे पास आज डॉक्यूमेंट्स है, ये प्रूव करते हैं कि उस वक्त डॉक्टर भक्ति चौधरी की जो नियुक्ति थी वो गैरकानूनी थी, बेकायदेशीर थी, और हमने ये एविडेंस सारे आयुक्त को दिए हैं, एडिशनल कमिश्नर को दिए, उसके बाद भी, इतने एविडेंस होने के बाद भी आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको एक इसमें ऑन द आपके इसमें रिकॉर्ड में ही कह रहा हूँ कि एक उपायुक्त ने मुझे कहा कि हमारा स्थापना विभाग में भी भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें ये सब गड़बड़ी है, सब मिलीजुली सरकार है, यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है, और इसका ही फायदा डॉक्टर भक्ति चौधरी जैसे अनेक कर्मचारियों ने महानगर पालिका में लिया है। तो ये सब जांच का विषय है, लेकिन आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है
उनके आधार पे आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? मैं आयुक्त साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको कार्रवाई करने से रोक रही है? अगर हम झूठे होंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि एक किसी के ऊपर आरोप लगाना भी एक क्राइम है। तो मैं वो कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँगा तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन हमने जो आरोप लगाया है, हम डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने आरोप लगाया, उसकी जांच करके कार्रवाई करो, या हमें लिखित में दो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो हम खुद अपना पीछे लेके हम माफी मांगेंगे, या हमारे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको हम फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे चुप्पी क्यों साधे हुए है? प्रशासन चुप्पी क्यों साधा हुआ है? आयुक्त साहब चुप्पी क्यों साधे है? सारे अधिकारी चुप्पी क्यों साधे है? मतलब दाल में कुछ काला है? मैं पॉलिटिकल पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अभी वैसे विरार महानगर पालिका में राजनीति काफ़ी हावी है इन्हीं ठेका कर्मचारियों को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठेका कर्मचारियों का विषय अलग है। मैं तो कहूँगा कि जो बहुत सालों से 12 13 15 सालों से जो ठेका कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे पक्का करना चाहिए, वो विषय अलग है। और इस तरह के अगर केसेस है तो ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं और क्यों इसके लिए बोला, और उसमें ऐसा है कि कई सारे ठेका कर्मचारी की मैंने अभी कोई एक आरटीआई डाला हुआ है कि पति भी है, पत्नी भी है, भाई है, दूसरा भाई भी है, ऐसे पूरे घर का घर आपने सेवा में लिया हुआ है, तो उनके ऊपर आपको बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए कि एक घर से आप एक ही लो। यहाँ पे बहुत सारे घर के कुछ नगर सेवक ने मेरे इतने लगाए, कुछ नगर सेवक ने उतने लगाए। यूसुफ जी, ये महानगर पालिका देश की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसपे शासन का कोई दबाव ही नहीं है, शासन का कोई नियंत्रण ही नहीं है। यहाँ पे जिसके मन में जो आए, जिस अधिकारी के मन में जो आए वो करता है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे महानगर पालिका में हम रह रहे। तो अनिल जी ने भी कई सारी बातें कही है, और इन बातों में एक ही बात जो सबसे अहम निकलती है कि इतना बड़ा जो विषय अभी उठाया गया है, अनिल जी का साफ शब्दों में ये कहना है कि अगर इनके आरोप में कुछ खामी है तो ये तैयार है कार्रवाई झेलने के लिए, लेकिन पहले सच्चाई तो सामने आए, और सच्चाई कब सामने आएगी? जब जाँच होगी, तो पहले जाँच तो हो जाए। और इस पूरे मामले पर हमने भी डॉक्टर भक्ति चौधरी मैडम से बात करने के लिए उनसे फ़ोन पर बात की, तब उन्होंने ऑन कैमरा तो कोई बात करने से इनकार किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मेरी नियुक्ति नियमों से हुई है, नियुक्ति के समय मेरे पास सभी दस्तावेज थे, मैंने वो संबंधित विभाग आस्थापना विभाग को सौंपे थे, और उन्हीं का निरीक्षण करके, आस्थापना विभाग द्वारा उन्हीं का निरीक्षण करके मेरी नियुक्ति की गई है, इसके लिए यह जो आरोप है वो बेबुनियाद है। तो मैडम का बयान अपनी जगह पर है, उन्होंने जो बोला हमने आपको बताया, और अनिल चौहान जी के आरोप अपनी जगह पर है। फिर वही है कि कौन सही कौन झूठा, कौन सही कौन झूठा नहीं कहूँगा, कौन गलत, उसका पता तो तभी चलेगा जब निष्पक्ष तौर पर जांच होगी, और ये एक बड़ा जांच का विषय है। तो अब देखा यह जाएगा कि कब इस पर महानगर पालिका जांच उठाती है। तो आज के लिए फिलहाल ये मुलाकात यहीं पर रोकते हैं, लेकिन ये मामला कोई बहुत छोटा मामला नहीं है, ये मामला काफ़ी बड़ा मामला है। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधे लोगों के स्वास्थ्य से, और स्वास्थ्य ऐसा एक कहावत है हिंदी की कि पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया ये मैडम की, जैसा अनिल जी ने कहा कि इनकी डॉक्टरी के ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन क्या ऐसे मामले भी कहीं निकल सकते हैं जो डॉक्टर है ही नहीं या उस पात्र नहीं है, उसको भी लिया गया है? तो ये एक बड़ी जाँच होगी, तभी मालूम पड़ेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।